हेलो फ्रेंड, मैं हूं विशाल। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में। सो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 89% लोग हमारी वीडियो को देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और ब्लॉग देखने को मिलती रहे। सो फ्रेंड, दिल्ली मेट्रो राजधानी में अपने नेटवर्क में दिनों दिन इजाफा कर रहा है। अब पिंक लाइन के शुरू हो जाने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का कुल नेटवर्क 390 किलोमीटर का हो जाएगा और इसके स्टेशनों की संख्या बढ़कर 286 हो जाएगी। इस नई लाइन की एक खासियत और है कि यह 59 किलोमीटर की लंबी सीधी लाइन है। त्रिलोकपुरी मयूर विहार पॉकेट एक के बीच मेट्रो का परिचालन शुरू होने से पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो का सबसे बड़ा कॉरिडोर बन जाएगा। इस लाइन के शुरू हो जाने के बाद शिव विहार से मजलिस पार्क तक सीधी मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। इससे यात्रियों का सफर आसान हो जाएगा। लंबे समय के बाद अब पिंक लाइन के त्रिलोकपुरी मयूर विहार पॉकेट एक और ग्रे लाइन के नजावगढ़ ढांसा बस स्टैंड कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करने की तारीख घोषित की गई है। इसी सप्ताह 6 अगस्त को केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी व मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर दोनों कॉरिडोर पर मेट्रो का परिचालन शुरू करेंगे और उसी दिन दोपहर 3 बजे से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा उपलब्ध हो जाएगी। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अगली नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें।